ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो कि टक्कर भाजपा से। हाँ। लेकिन जैसे ही अंजेस प्रताप यादव घोषित हुए बीजेपी से, वैसे चुनाव सफा भाजपा से हटकर कहीं ना कहीं लोकल टीम में आ गया कि हमारे पड़ोस के है वो। हाँ। कहीं ना कहीं अंजेस प्रताप और तेज प्रताप में आ गया चुनाव। अच्छा, पहले सपा और भाजपा में हुआ करता था, अब देखते हैं कि चुनावी जब जनसभा होगी अखिलेश जी की तब क्या माहौल बनता है। क्योंकि कहा तो जाता है कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो माहौल बदलेगा। लेकिन क्या बदलेगा, क्या होगा, बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, क्या उनकी जनसभा वोटर तक संपर्क बना पाएंगी, क्या नहीं होता ऐसा तब मालूम पड़ेगा। चेहरा देख कर हम वोट करेंगे, चाहे मुझे कमल में क्यों ना देना पड़े। फिर हमने ये भी पूछा कि यादवों से ये और दिया जाता है कि यादव अगर वोट डालने जाते हैं तो फिर साइकिल ही नजर आती है, तो उन लोगों ने कि साइकिल नजर तो आती है लेकिन हम अपने उंगली रख देंगे कमल पर और ऐसे चेहरा कर लेंगे, वोट बबलू को देंगे। लेकिन अब की बार साइकिल 200 साल से साइकिल में दिया लेकिन अब की बार साइकिल में नहीं देना। करहल का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, करहल में चुनाव में क्या होने वाला है, सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि क्या करहल में कुछ होगा। करहल में अलग अलग तरीके से लोग यहाँ के चुनावी मिजाज को भांप रहे हैं, लेकिन हम आपको एक अलग तरीके से यहाँ के चुनावी मिजाज को दिखाएंगे। पहले हम आपको मिलाते हैं, इनका नाम है रोहित, देख लिया आपने, और ये है मोहित। ये रोहित मोहित हैं, ये जोड़ी पत्रकार के नाम पे भी जाने जाते हैं और इनका शौक पत्रकारिता है और पूरी तरीके से सियासत की पत्रकारिता करते हैं, यानी कि सर्वे करते हैं। कहीं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए ये दोनों भाई सर्वे करने निकल पड़ते हैं, लेकिन अब तो इनके घर में ही चुनाव है, यानी कि करहल में ही चुनाव है, और पिछले 1.5 महीने से ये लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, चौपाल लेकर रहे हैं। तो आज जब मेरे से मुलाकात हुई, जब मुझसे मुलाकात हुई, यूपी तक की टीम से इनकी मुलाकात हो रही है, तब हम इनसे समझते हैं कि आखिर इन्होंने क्या देखा। आप दोनों पहले तो ट्विंस हैं जी, आप लोग कंफ्यूज होते हैं आपको देख करके लोग? हाँ, लोग कंफ्यूज होते हैं और लोगों की छोड़िए, मेरे माता पिता भी कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी मेरे माता पिता जो होते हैं वो एक साथ ही नाम लेते हैं कि रोहित मोहित, मतलब एक नाम नहीं लेते हैं, सोचते हैं शायद रोहित है कि मोहित है, और पापा बाहर रहते हैं तो पापा सोचते हैं कि चलो एक, मतलब जो भी व्यक्ति कंफ्यूज होता है दोनों नाम एक साथ ही ले लेता है, जिससे या मोहित को बुलाएंगे तो रोहित चला जाएगा, रोहित मोहित इकट्ठे लेंगे तो दोनों लोग एक तो इतना कंफ्यूजन होता है। माँ बाप ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जनता कंफ्यूज होती है कि नहीं? हाँ, कई ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि एक बार हम एक दुकान पे खड़े थे तो उन्होंने कही कि हमने तो आपको पैसे दे दिए, तो वो बोले नहीं दिए, तो हमने दे दिए, लड़ाई होने लगी, तब तक वो पैसे दिए थे मोहित को, हमारी बहस होने लगी। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है, कभी कभी फायदा भी होता है। लेकिन एक बात बताइए, आप दोनों को ये शौक कैसे चढ़ गया कि हम चुनावी सर्वे करें, हम चुनाव में लोगों के मिजाज के सियासी मिजाज को भापे? मैं जब जूनियर क्लासों में पढ़ते थे, क्लास 5 में, तब मुझे एक ये होता था कि पत्रकार एक चीज है अपने आप में, पत्रकार शब्द से लोग डरते हैं, पत्रकार उजागर चीज करती है, जो दबी कुचली बेच चीजें होती है उनको उजागर करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना पत्रकार बना जाए। तो धीरे धीरे हम एक प्लेटफॉर्म में जुड़े, फिर हमारे एक उसमें जिंदगी में एक कुमार गौरव नाम के एक व्यक्ति आए, उन्होंने हमें पत्रकारिता में आगे बढ़ाया। तो दोनों के शौक सेम है? हाँ, एकदम आप जो आपको शौक है वही इनको भी? हाँ, है। दोनों लोगों को पत्रकारिता में, दोनों के दोनों चुनावी सर्वे में, दोनों के दोनों आपका भी यही है? जी सेम है दोनों लोगों के, ये कि और जैसे कि ये अगर कैमरा मैन ही करते हैं तो हम कवर करते हैं, फिर ये अगर कवर करेंगे तो हम कैमरा मैन ही करने लगेंगे, एक लोग एंकरिंग तो एक लोग कैमरा मैन, लोग भी चौंक जाते होंगे, हैरत में होंगे। हाँ। लेकिन एक दूसरे के वजह से पिटते पिटते तो नहीं बचे? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा वो काम ही नहीं करते हैं जिससे कि कोई नहीं। कहने का मतलब कि आप गलती आपकी भुगतना आपको पड़े, हम लोग 24 घंटे साथ में रहते हैं तो गलतियां भी मालूम पड़ जाती है कि को कहां कर रहा है। ठीक है, लेकिन चलिए हम आते हैं अपने उस पे। ये बताइए कि आप लोग के बारे में है कि आप लोग चुनाव में घूमते हैं, सर्वे करते हैं, करहल ऐसी जगह है जो कि तो समाजवादी पार्टी का गढ़ घर जो कह लीजिए, क्या देखा आप लोगों ने, कैसा है इस बार का चुनाव? मैंने जब
बीजेपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, उससे पहले काफी गांव में जाकर देखा तो पहले सपा और भाजपा का चुनाव हुआ करता था केरल विधानसभा में, मतलब सपा की टक्कर भाजपा से। लेकिन जैसे ही अंजेश प्रताप यादव घोषित हुए बीजेपी से, वैसे चुनाव सपा भाजपा से हटकर कहीं ना कहीं लोकलिटी में आ गया कि हमारे पड़ोस के हैं वो, कहीं ना कहीं अंजेश प्रताप और तेज प्रताप में आ गया चुनाव। अच्छा, पहले सपा और भाजपा में हुआ करता था, अब लोगों के बीच में, पहले लोग खुलेआम कह देते थे कि मैं सपा को वोट करूंगा, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं चुप रह जाते हैं, नहीं तो सपा की कहते हैं नहीं तो बीजेपी की कहते हैं। अब जो कुछ लोग समर्थक मिल जाते हैं वो अपनी अपनी पार्टियों की नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे लोकल जो लोग हैं वो या तो अनुजेश का नाम लेंगे या फिर तेज प्रताप का, लेकिन पार्टी का किसी का नाम नहीं लेते, व्यक्तिगत बताते हैं कि मेरे व्यक्तिगत संबंध है अनुजेश से, और कोई कहता मेरा व्यक्तिगत संबंध है सैफ ही से। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब इसका मतलब तो हम लोगों ने यही देखा है कि वोटर अभी शांत है, क्योंकि माहौल कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, करहल में आप जो ये बातें कर रहे हैं, आप मोहित ने बोला, मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप रोहित जी ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो सकता है, ऐसा है क्या? जबकि करहल तो कई दशकों से सपा का ही है। हाँ है तो, लेकिन अभी तक यहाँ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने जनसभा नहीं की, क्योंकि यादव वाले क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी गढ़ भी रहा। अगर उनके देखते हैं उनकी जनसभा से कितना लोग, यादव लोग कितने प्रेरित होते हैं, और देखा जाए जहां से भाजपा के जो वोट थे, जिस बूथ पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जैसे 16-17 वोट पड़ते थे, वहां उनकी वोट संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी होगी? जैसे 17-18 वोट है वहां, यादवों की गांव की बात कर रहे हैं, वहां उनके 100-150 वोट बढ़े हैं इस बार इस चुनाव में, इस चुनाव पड़ जाएंगे इतने। हाँ, इतने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब अभी तक की ये सर्वे है। अब देखते हैं कि चुनावी जब जनसभा होगी अखिलेश जी की, तब क्या माहौल बनता है, क्योंकि कहा तो जाता है कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो माहौल बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगा, क्या होगा? बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, क्या उनकी जनसभा वोटर तक संपर्क बना पाएंगी, क्या नहीं होता ऐसा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन वोटिंग संख्या उनकी बढ़ी है और परसेंट भी उनका भाजपा का यहाँ बढ़ा, क्योंकि एक तरफ दो दो यादव प्रत्याशी आने से बहुत यहाँ वोट संख्या बढ़ी है, और ये यादव बहुल क्षेत्र है। ये बताइए, आप बताइए कि यादव बहुल गांव में जब आप गए तो क्या उसमें बीजेपी के वोटर आपको दिखे, बीजेपी के समर्थक यादवों में मिले इस बार? बीजेपी के समर्थक की आपने बात की है तो बीजेपी के समर्थक नहीं मिले, बबलू के समर्थक मिले, अनुजेश के, अनुजेश प्रताप यादव और बबलू भैया जो कि भारोल के निवासी हैं, उनके क्षेत्र पड़ता है घिरोर, और घिरोर क्षेत्र में, और चाहे भंडाल क्षेत्र की बात कर लीजिए, ओंचा क्षेत्र की बात कर लीजिए, अगर आप यादव गांव में जाते हैं तो उसमें बबलू के वोटर हैं। बीजेपी को अगर आपने बीजेपी की बात की तो बीजेपी से लोग कहते हैं बहुत परेशान, लेकिन फिर वोट तो उनको कमल पे डालना होगा अगर बबलू को जिताना है। बबलू का वो लोग बता रहे हैं कि बबलू का चेहरा देखकर हम वोट करेंगे, चाहे मुझे कमल में क्यों ना देना पड़े। फिर हमने ये भी पूछा कि यादवों से ये और दिया जाता है कि यादव अगर वोट डालने जाते हैं तो फिर साइकिल ही नजर आती है, तो उन लोगों ने कि साइकिल नजर तो आती है लेकिन हम अपने उंगली रख देंगे कमल पर और ऐसे चेहरा कर लेंगे, वोट बबलू को देंगे, लेकिन अब की बार साइकिल 200 साल से साइकिल में दिया लेकिन अब की बार साइकिल में नहीं देना। ये बातें जो कह रहे हैं ये यादवों के बीच, यादवों के बीच की बात है। एक मैंने सुना, मैं गया था एक गांव, सबसे बड़ा जो गांव है रठेरा जी, वहां तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी के आने की, प्रत्याशियों के आने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वहाँ प्रत्याशी जाते भी नहीं थे जी। लेकिन इस बार सुने हैं कि उर्मिला यादव और ये बबलू दोनों गए हैं। मैं खुद गया था रठेरा में, तो मैंने देखा तो वहां पर बड़े बुजुर्गों के पास बैठा तो उन्होंने ये कहा था पहले यहाँ पर 190 वोट पड़ जाते थे बीजेपी में, क्योंकि बहुत बड़ी पोलिंग है तो 5-6 हजार वोट है तो 5-6 लगभग, लेकिन आज की डेट में बड़े बुजुर्ग बता रहे थे कम से कम तो उनके 500 वोट पड़ जाएंगे 10% बढ़ जाएंगे। हमने कैसे, क्योंकि यहाँ पर काफी उनकी रिश्तेदारियां हैं, यहाँ इस गांव की काफी लड़कियां उनके गांव में हैं, ठीक, व्यक्तिगत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए, शादी विवाह या किसी में आना जाना लगा रहता है, तो उन इतना असर पड़ेगा कि 500 तक वोट ले लेंगे, लेकिन सोचो कि वो आधा आधा हो जाए रठेरा में, आधा आधा नहीं होगा, और फिर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव,
मतलब इस तरीके से वोटिंग अगर होगी तो वो हाँ, आज हम एक रठेरे जैसे गांव है सांझापुर जो ओयो सांझापुर अपने आप में एक प्रसिद्ध गांव है, यादव वाल्ड गांव है पूरा, तो उसमें 6-7 हजार की वोटिंग है लगभग में, तो वहाँ वोट पड़ते हैं, परसेंट डाउन रहती है इस बार, तो 2-3 हजार वोट पड़ते हैं लगभग में, तो बता रहे की 1 हजार वोट यहाँ से बबलू ले जाए। और ये भी यादव बबलू, ये भी यादव वाल्ड गाँव है। चलिए हम थोड़ा इससे इतर चलते हैं, यादवों को छोड़ दें तो दूसरी बिरादरियों का इस बार क्या है? जैसे अखिलेश पिछली बार लड़े तो बहुत अच्छे वोट से जीत करके आए अखिलेश यादव, जबकि उनके सामने एसपी सिंह बघेल थे जी। इस बार की क्या स्थिति है बिरादरियों की? इस बार की मैं आपको बता दूं, मैं दलित समाज में गया हूं, 2-3 गांव मैंने कवरेज किए, क्योंकि दलित मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उपचुनाव में करहल में उतारा है, तो दलित का ये कहना है कि न तो मैं बीजेपी को दूंगा ठीक है, और सपा में मेरी गिनती होगी नहीं, तो इसीलिए हम अपने खुद के प्रत्याशी अपनी बहन जी को ही मजबूत करेंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। मेरा भी मतलब मालूम पड़ेगा कि हाँ दलित भी है ये। अब पाल समाज का है तो पाल समाज जितना बीजेपी के साथ है उतना ही है, कोई नहीं तो बढ़ाए है नहीं तो घटाए है। तो जो गैर यादव जो ओबीसी हैं जी, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो सपा की तरफ हैं? जैसे कि कश्यप हैं, लोधी हैं, दूसरी और जो भी जितनी बिरादरियां हैं, लोधी और कश्यप यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा वोटर हैं, तो ये लोग हवा के साथ जाते हैं, लेकिन अभी हवा किसी की नहीं है, पहले लहर बन जाती थी, पहले चुनाव करहल से होता था, आज की डेट में चुनाव घिरोर से हो रहा है। अच्छा, घिरोर जो कि अनुजेश का घर है, इलाका है, क्षेत्र है, वहां से वो जिला पंचायत सदस्य रहे थे, वो उनकी माता जी वहीं से जब विधानसभा थी तो दो बार वहां से पूर्व विधायिका भी रही थी, उनके ताऊ भी वहां से दो बार पूर्व विधायक रहे थे। अब घिरोर के यादवों पर और घिरोर के क्षेत्र के वोटरों पर निर्णय की वो है कि अगर वो किधर जा रहा है, अगर वो अनुजेश की तरफ जा रहा है तो फिर यहाँ पर खतरा है, अगर वो जैसे ही समाजवादी पार्टी में देता आया है वैसे ही दे रहा है तो फिर यहाँ पर जीत है। और शाक के वोटर की बड़ी चर्चा होती है कि यहाँ पर अगर यादव नहीं तो शाक, तो उनके वोटर की स्थिति आप लोगों ने क्या देखी? देखिए सबसे ज्यादा शाक समाज देखा जाए तो नंगला फूट और फेरार में है जो यहाँ पर है, और एक दोहरासी गाँव भी है गुरु क्षेत्र में, जो ऐसे गाँव है जहाँ शाक की संख्या ज्यादा है, जो शाक के लोग जो वोटर पहले से थे जहाँ वो वही है, उससे कोई वो नहीं हुआ कि कितने भी प्रचार प्रसार में लोग आए उन्होंने उसमें कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, क्योंकि वो लोग उतनी बात सोचते हैं जितनी सोचनी चाहिए। और तो शाक के तो इस बार बसपा का उम्मीदवार भी है? नहीं, शाक के है लेकिन उनको 1% या 2% वोट मिलेगा शाक के का बस। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो अपना जो प्रचार प्रसार है वो सही तरीके से उनका हो नहीं पा रहा है, क्या समस्या है क्या वाले? लेकिन ये शाक के जो वोटर किसकी तरफ जाएंगे? शाक की वोटर तीन जगह जा रहा है, तीनों जगह बट बसपा में भी जा रहा है थोड़ा और सपा में भी और भाजपा में। ज्यादा किधर जा रहा है? ज्यादा अभी नहीं कह सकते कि किधर जा रहा है, क्योंकि शाक के गांव में हम सिर्फ 2-3 ही गांव में गए, उसमें दोनों पार्टियां मिली हमें, सपा की भी मिली और भाजपा की मिली, शाक के गांव के हमने 2-3 गांव से ज्यादा सर्वे नहीं किए, लेकिन मैंने यादवों के गांव में जाकर और एक गांव में करीब 3-3 जगह कवरेज किया, शुरुआत में, फिर बीच में, फिर एंड में, क्योंकि शुरुआत में क्या पता बीजेपी के लोग बैठे हों, एंड में तो नहीं बैठे होंगे, फिर क्या पता एंड उसके एंड में ना बैठे हों, तो इसलिए हम लोगों ने एक एक गांव में 3-3 जगह सर्वे किए। तो आपको अगर हम ओवरऑल आपसे जानना चाहें कि आखिर करहल का ओवरऑल सिनेरियो आज क्या देख रहे हैं, एक हफ्ते के बाद वोटिंग होगी वहां पे 20 तारीख को, आज आप लोगों की को क्या लग रहा है, क्या है वहां का माहौल? अभी तो अगर आपको बता दें तो अभी चुनाव फंसा हुआ है, करहल फंसा हुआ है, करहल चुनाव फंसा हुआ है जी। अच्छा, कुछ भी अब अखिलेश यादव के आने के बाद क्या होता है क्या ये यादव जो यादव जा रहा है अनुजेश के साथ, जो यादव बीजेपी की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं जताता था, मतलब जो बीजेपी से इतनी नफरत करता था वो बबलू के लिए बीजेपी में वोट कर रहा है, तो क्या वो यादव अखिलेश यादव के आने से फिर वापस आएगा? क्या होता है वो 16 तारीख के बाद पता लेगा जब अखिलेश यादव। यादवों में दो वर्गों में चुनाव और होते हैं, मैंने जब चुनावी सर्वे की तो वहां दो गोत्र पाए गए,
कोसियो कमरिया का, जो यहाँ वोटर है सबसे अधिक घोसी का वोट है, जिससे अंजेश यादव आते हैं, और जो कमरिया यादवों में ही कमरिया है जो, वो एक तेज प्रताप यादव आते हैं। तो जब मैंने सर्वे की तो एक शब्द बीच में निकल कर आता है कि समाजवादी पार्टी ने घोसी समाज को टिकट क्यों नहीं दी, इसलिए मैं बबलू को वोट करूंगा। ये भी बात निकल, ये भी कहने का मतलब उनका है कि अगर देख लिया जाए आपके घर में, लोगों का कहना है कि आपके घर में 6-6 सांसद हैं, पूरा परिवार आपका ठीक ठाक है, तो करैल विधानसभा से यहाँ करैल विधानसभा से आप किसी घोसी को प्रत्याशी बना देते हैं, क्योंकि क्योंकि परिवार के क्योंकि यादव घोसी भी होते हैं, तो घोसी का यहाँ वजन जाना है, तो घोसी और कमरियावा जो चलता है वो भी खत्म हो जाता, घोसी को आप प्रत्याशी बना देते हैं। ये यहाँ पर और थोड़ा तो मैं आप लोगों से जो मैं समअप कर रहा हूँ वो ये महसूस कर रहा हूँ इसके आपकी बातों से निकल रहा है कि आज की लड़ाई दिलचस्प है, ये लड़ाई कांटे की हो रही है, ये लड़ाई बराबर की है और कहा भी नहीं जा सकता कि क्या हो, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर डिपेंड है। उनकी जनसभा में कितने लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जनसभा में कितने लोग प्रभावित होते हैं देखा जाए। और एक बात और निकल कर आती है इसमें, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो सही ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सपा के लोगों का या तो मान लीजिए कि जो स्थानीय लगता है कि ये गढ़ है तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं। ग्रामीणों का तो आरोप ये है, एक गांव है पैरार, वहाँ शाक्य और यादव समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने का आरोप ये है कि जब यह जनसभा हुई तो जो स्थानीय लोग हैं उनको मिलने ही नहीं दिया गया। अच्छा। इससे और उनकी नाराजगी है, यादवों में भी आप लोगों ने नाराजगी महसूस की। हाँ, यादवों में तो नाराजगी है, और अन्य जाति की बात कर रहे हैं। यादवों में क्या है, करैल क्षेत्र की बात कर लूं, अभी तक गिरोह क्षेत्र की बात करते थे, करहल इस करहल विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रधान का ऐसा चुनाव हो गया, ऐसा चुनाव प्रधान ये सोच रहा है अगर हम विधायक अपना बनाते हैं गांव का तो ये हमारी मदद करेंगे, दूसरा सोच रहा है अगर हम अपना बनाते हैं तो ये हमारी मदद करेंगे। तो एक ग्राम में जितने जो दो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। अच्छा, बहुत हाइपर लोकल ये चुनाव हो रहा है, और यादवों में भी ये बिल्कुल चल रहा है, बहुत चली। तो मैं जो मैंने जो समझा इन दोनों भाइयों से, ये जुड़वा हैं और ये सियासी सर्वे करते रहते हैं हर चुनाव का, इनका मानना है कि ये चुनाव फंसता जा रहा है, ये चुनाव बेहद क्लोज होता जा रहा है और बहुत आसान किसी के लिए नहीं है। करहल से कुमार अभिषेक, विपिता।